हेलो दोस्तों, चटपटी रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक हेल्दी नाश्ता। आइए हम इस नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं। अब यह रेसिपी हम बनाना शुरू करते हैं। एक चम्मच हम घी डाल देंगे। घी हमारा गर्म हो जाए अच्छे से। मीडियम साइज का कप लिया है, उसमें हमने रवा लिया है। रवा को अच्छे से भून लेंगे जब तक हमारा रवा सुनहरा ना हो जाए, तब तक हमें इसे भूनते रहना है। भून के हम इसको बाहर कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में बड़े चम्मच से तेल डाल देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे एक कटोरी उबाला हुआ आलू, हमने पहले से ही काट के रख लिया है। अब इसको हम फ्राई करके अच्छे से निकाल लेंगे। ये हमारा आलू सुनहरा हो जाएगा। इसको हम निकाल कर बाहर कर लेंगे। अब हम इसी तेल के अंदर डालेंगे सरसों एक चम्मच, बारीक कटा हुआ मिर्च डालेंगे और हम जीरा डालेंगे एक चम्मच। अब इसी के अंदर हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी अच्छे से पका लेंगे। अब इसके अंदर हम स्वादानुसार नमक गिरा देंगे। अब इसके अंदर हम मसाला भी डाल देंगे। आप कोई भी मसाला इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हमारा जितना सूजी है उसी हिसाब से हमें पानी डालना है। हमने पहले से ही सूजी को भून कर रखा था। अब उसके अंदर हम सूजी गिरा देंगे। एक कप हमारा सूजी था, इसलिए हमने इसके अंदर 4 कप पानी डाला हुआ है। अब इसको अच्छी तरीके से हम चलाते रहेंगे। हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसके अंदर हमने जो मीडियम साइज का एक आलू लिया था, फ्राई करके रखा था, अब उसके अंदर हम इसको डाल देंगे। अब इसके अंदर हम हरी धनिया भी डाल देंगे। हमारा सुबह का हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारा रेसिपी आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।